नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार अपने पार्टी के कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लालू प्रसाद यादव भी कई बार बोल चुके हैं कि तेजस्वी को लेकर जितना सोचा था उससे काफी बढ़ चढ़ कर वो काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी को सफलताएं भी मिल रही है, लेकिन ऐसे में अगर बात हो आरजेडी में नेताओं को जोड़ने की, अलग अलग दलों से नेताओं को तोड़ने की, तो तेजस्वी लालू के उस रणनीति में भी अब बढ़ चढ़ कर आगे दिखने लगे हैं। और तेजस्वी ने हाल ही में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को तोड़कर अपने 4 विधायकों को अपने पार्टी में मिलाया था, इसके बाद यह साफ हो गया था कि तेजस्वी की रणनीति भी कमजोर नहीं है। लेकिन ऐसे में अब बात करने जा रहे हैं भोजपुरी सिने अभिनेता व गायक पवन सिंह की। देखिए, पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत के बड़े एक्टर हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, और पवन सिंह के चाहने वाले लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। लॉलीपॉप फेम पवन सिंह आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और तेजस्वी यादव से उनकी बात हो चुकी है, बड़ी खबर है। देखिए, सवाल उठ रहे हैं कि क्या पवन सिंह आरजेडी में शामिल होंगे, बीजेपी का दामन छोड़ेंगे, क्योंकि पवन सिंह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और साथ ही साथ अभिनेता भी हैं। पवन सिंह के दो मित्र मनोज तिवारी और रवि किशन पहले सांसद बने, फिर उनके करीबी मित्र निरहुआ भी इस बार जब आजमगढ़ सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो वो भी सांसद बन गए हैं। लेकिन ऐसे में पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, पवन सिंह को हर बार निराशा हाथ लगी, तो पवन ने अब आरजेडी में जाने का फैसला किया है। क्योंकि कई ऐसे यूजर हैं जो सोशल मीडिया पर ये बातें लिख रहे हैं, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पवन सिंह और तेजस्वी यादव के मुलाकात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पवन और तेजस्वी की ये मुलाकात सोनपुर में हुई है और इस मुलाकात की जो तस्वीर है बेहद ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पवन और तेजस्वी एक कमरे में भी बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी के कई करीबी नेता भी मौजूद हैं साथ में। देखिए, दरअसल मौका था आरजेडी के MLC सुनील सिंह के घर वैवाहिक कार्यक्रम का, जिस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने के लिए पहुंचे थे भोजपुरी सिने अभिनेता व गायक पवन सिंह, और पवन सिंह को देखने के लिए वहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। लेकिन बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव का तो अलग ही क्रेज है, जब तेजस्वी वहां पहुंच जाए तो युवा और ऊर्जावान वाली बातें होने लगती है। लेकिन ऐसे में तेजस्वी जैसे ही वहां पहुंचे, पवन सिंह उनसे मिलने पहुंच गए, पवन सिंह ने उनसे मुलाकात की, साथ में चाय की चुस्कियां भी ली, और वो तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं टुडे बिहार न्यूज पर। पवन सिंह अब आरजेडी में शामिल होंगे, क्या बीजेपी ने उन्हें हर बार मौका नहीं दिया तो क्या इस बार तेजस्वी से मौका मांगेंगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।